मुझे ये पूरा शक है कि आफताब अकेला नहीं है, इसमें उसके साथ में कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस के लेवल की ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कुछ ना कुछ पक्का निकल के आएगा। जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको पहले तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा बॉडी, और ये भी हो सकता है मानव का मांस मिल जाए और किसी तीसरे बंदे की लाश का निकल आए, ये भी हो सकता है। अभी ड्रामा बहुत कुछ हो सकता है इस केस के अंदर में, समझो। पुलिस ने बताया है कि आफताब पूछे गए सवालों के जवाब अंग्रेजी में देता है। यहां डॉक्टर कह रहे हैं कि जब वो आया काम तमाम करने के बाद, टुकड़े करने के बाद, उसके हाथ पे आरी चल गई थी, अपने जख्म को लगवाने आया, ठीक करवाने, तो भी थ्रू आउट अंग्रेजी बोल रहा था। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, मैंने कल भी एक डिमांड करी थी कि मैं चाहता हूं इस केस की इन्वेस्टिगेशन एनआईए करे। मुझे ये पूरा शक है कि आफताब अकेला नहीं है, इसमें उसके साथ में कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये जो लगातार अंग्रेजी बोल रहा है, संभवतः ये हो सकता है कि ये जो मैंने बताया यूके एंड यूएस, जो मैंने कल भी कहा था आज भी कहा, ये संभवतः किसी ऐसे ही ग्रूमिंग गैंग का सदस्य हो, ये कभी हो सकता है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी पूरी हिस्ट्री निकलनी चाहिए, बचपन से जब ये पैदा हुआ उसके बाद से लेकर के, क्या कभी किसी ग्रूमिंग गैंग के साथ में इसका कनेक्शन रहा है क्या, इसकी ऑफिशियली कोई ऐसी ट्रेनिंग हुई है क्या, डेटिंग ऐप पे जाकर के लड़की पटाना, लड़की फंसाना, उसको लेकर के आना, लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना, अंग्रेजी बोलना। दिल्ली में रहने वाला लड़का जो हिमाचल घूम के आया, जो उत्तराखंड घूम के आया, श्रद्धा के साथ में हिमाचल घुमाया, उत्तराखंड घुमाया, आकर के दिल्ली में निपटाया, महाराष्ट्र में रहा हुआ लड़का हिंदी नहीं बोल सकता क्या? क्यों नहीं बोल रहा हिंदी? क्या इसकी ट्रेनिंग, क्या इसकी जबान अंग्रेजी कहां से आई है? इसकी बहुत सारी इसमें लेयर्स मिलेंगी जब जांच होगी। मैं दिल्ली पुलिस के ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं दिल्ली पुलिस की काबिलियत पे कोई शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि शायद दिल्ली पुलिस के लेवल की ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। जो मुझे थोड़ी सी स्मेल आ रही है इस पूरे केस में, मेरा ये फिर से कहना है कि इसकी जांच एनआईए को करनी चाहिए। दीपक भाई, कम से कम इसकी पिछले 5 या 7 साल की मनी ट्रेल निकालनी चाहिए। कैसे ये इतना खर्चा एफोर्ड कर रहा है 20 साल की उम्र में? बॉम्बे चला गया, बॉम्बे से दिल्ली आ गया, हिमाचल घुमा दिया, उत्तराखंड घुमा दिया, निपटा दिया, फिर नया फ्रिज खरीद लिया। 300 350 लीटर का फ्रिज कितने का आता है हम सब जानते हैं। क्या इसके पास पे कहीं से विदेशी फंडिंग आ रही है क्या? कुछ ना कुछ पक्का निकल के आएगा। जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसके 5 साल के, 5 साल में कम से कम कह रहा हूँ, 5 या 7 साल की मनी ट्रेल निकलनी चाहिए, 5 या 7 साल की इसकी सीडीआर निकलनी चाहिए, 5 या 7 साल की इसकी पूरी हिस्ट्री निकलनी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे भी हमने देखा, 6 6 साल पहले इसने लिखा था चॉपिंग करने के दृश्य जो मैंने कल दिखाए थे। 7 साल पहले जाकर के इस केस को शुरुआत से निकालना होगा। जब ये अदालत में जाएगा, इससे पूछेंगे कि आप क्या प्लीड करते हो, गिल्टी और नॉन गिल्टी। संभवतः ये वहां पे जाते ही कह देगा, जज साहब नॉन गिल्टी, इसने नॉन गिल्टी प्लीड किया। इसको बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े वकील आ जाएंगे, वकीलों की ऐसी खोज आ जाएगी। सबसे बड़ी क्या बात होगी, लीगल समझो, आपको पहले तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा बॉडी, क्योंकि अभी जो टुकड़े मिले हैं वो फॉरेंसिक में गए हैं। फॉरेंसिक वाले जांच करेंगे क्या ये मानव शव है या ये किसी जानवर के शरीर के टुकड़े हैं। जंगल से मिले हैं, कोई जंगली बिल्ली भी मरी पड़ सकती है, कोई खरगोश भी हो सकता है, ये टुकड़े किसी जानवर के भी हो सकते हैं। पहले एस्टेब्लिश किया जाएगा कि ये मानव मांस है या जानवर का मांस है। मानव का होने के बाद में श्रद्धा का ही है क्या? डीएनए के टेस्ट किए जाएंगे, बहुत सारे टेस्ट होंगे, और ये भी हो सकता है मानव का मांस मिल जाए और किसी तीसरे बंदे की लाश का निकल आए, ये भी हो सकता है। अभी ड्रामा बहुत कुछ हो सकता है इस केस के अंदर में, समझो। जो लाश के टुकड़े हैं, पहले तो देखेंगे जानवर के हैं या इंसान के हैं। इंसान के निकल गए तो चेक किया जाएगा श्रद्धा के हैं कि नहीं, हो सकता है ये किसी और ही के निकल आए, कोई सारिका का भी लाश निकल आए। ड्रामा बहुत हो सकता है अभी, आगे देखते जाओ। आफताब को फंदे तक टांगना इतना आसान नहीं होगा। हवाला दिया जाएगा इसकी उम्र का, इसके ब्रेन्स, इसके मेंटल स्टेटस का हवाला दिया जाएगा, इसके उज्जवल भविष्य का हवाला दिया जाएगा, एक सुधरने के मौके की बात की जाएगी, बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी, क्योंकि ये ड्रामे ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं।